हे फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेस्ट ऑफ वीट। तो वीट यानी कि गेहूँ, गेहूँ को लगने वाले हम पेस्ट के ऊपर बात करेंगे। जो वीट है विच इज़ ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट प्लांट को तो वैसे तो बहुत कम पेस्ट लगते हैं, बट देर आर सर्टेन पेस्ट विच कैन कॉज सर्व डैमेज टू द प्लांट। तो उन्हीं पेस्ट में से हम सबसे पहला पेस्ट पढ़ेंगे जिसका कॉमन नेम है वीट स्टेम बोरर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पिंक स्टेम बोरर। तो वीट स्टेम बोरर का मतलब है कि जो वीट प्लांट है उसकी स्टेम के अंदर टनल्स बनाना और बोर करना। तो वीट स्टेम बोरर जो है, या जो पिंक स्टेम बोरर है, ये कॉमन नेम है पेस्ट का जो कि वीट की स्टेम के अंदर बोर करता है। इसका साइंटिफिक नेम है सिसामिया इन्फरेंस। तो अब हम शुरुआत करते हैं सिसामिया इन्फरेंस की क्लासिफिकेशन की। इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा, फैमिली नॉक्टुआइडे, जीनस सिसामिया, स्पीशीज इन्फरेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उन पेस्ट से बिलोंग करती हैं जो कि लेपिडोप्टेरा के होते हैं, और सारे जितने भी पेस्ट होते हैं जो, या जो इंसेक्ट होते हैं जो लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं, उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। जैसे कि जितनी भी बटरफ्लाइज हैं या जितने भी मॉथ्स हैं, All butterflies and moths, they belong to the order Lepidoptera. Secondly, they have siphoning mouth. Siphoning means pipe-like. तो पाइप की तरह इनकी टंग होती है जो कि नेक्टर को चूसने में काम आती है, या फिर इनके जो भी इनकी होस्ट प्लांट है उसको जो है न्यूट्रिशन सक करने के लिए इस तरह का माउथ जो है बटरफ्लाइज और मॉथ्स के पास प्रेजेंट होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक इज़ दैट दे शो कम्प्लीट लाइफ साइकिल। कम्प्लीट लाइफ साइकिल से मतलब है कि देर आर फोर स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस विच आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, और लार्वा को जो है, लार्वा को यहाँ पे कैटरपिलर कहा जाता है। सो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। एंड सिसामिया इन्फरेंस इज ए मॉथ। तो जो सिसामिया इन्फरेंस है वो एक मॉथ है, और इसका कॉमन नाम है वीट स्टेम बोरर, या हम इसको पिंक स्टेम बोरर कह सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो सिसामिया इन्फरेंस है ये प्रेजेंट है पूरे इंडिया में। हमें जहाँ भी गेहूँ की खेती की जाती है, गेहूँ उगाई जाती है, वहाँ पे ये पाया जाता है इंडिया में। इंडिया के अलावा वी कैन सी इट्स प्रेजेंस इन पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस एक्सेट्रा। तो जो इंडिया के आसपास के देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, जापान, यहाँ पे भी जो है इसकी प्रेजेंस देखी जा सकती है जहाँ जहाँ पे वीट की फार्मिंग होती है। अब हम बात करेंगे इसकी हैबिट्स की। ये जो सिसामिया इन्फरेंस है ये एक मॉथ है, और ये जो एडल्ट मॉथ है इसकी स्टाउट बॉडी है। दी एडल्ट सिसामिया इन्फरेंस हैज़ ए स्टाउट बॉडी। स्टाउट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। तो जो बॉडी है इंसेक्ट की या इस पेस्ट की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। इट हैज़ ए स्टाउट बॉडी। The other characteristic feature is that their fore wings are brown and hind wings are lighter, almost white. So we can see in the diagram कि जो फोर विंग्स हैं, यानी कि जो अगली वाली विंग्स हैं, वो ब्राउन कलर की होती हैं, जबकि जो हाइंड विंग्स होती हैं बहुत ही हल्के रंग की, लाइटर कलर की होती हैं, या ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट वाइट कलर की होती हैं। तो जो एडल्ट मॉथ है इट हैज़ अ स्टाउट बॉडी एंड इट्स फोर विंग्स आर ब्राउन वाइल हाइंड विंग्स आर ऑलमोस्ट वाइट।
इट्स अ सीरियस पेस्ट ऑफ वीट, तो एक बहुत सीरियस पेस्ट है वीट का. लेकिन वीट के अलावा ये अटैक कर सकता है शुगर केन, मेज, राइस, ज्वार एंड मिलेट्स को. सो इट्स अ सीरियस पेस्ट ऑफ वीट, हाउ एवर इट ऑल्सो अटैक शुगर केन, मेज, राइस, ज्वार एंड मिलेट्स. तो इन पौधों पर भी अटैक हो सकता है. अब जो ये सिसामिया इन्फ्लुएंस है, इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से फीड करता है? तो जो सिसामिया इन्फ्लुएंस है, दे फीड अपॉन दी स्टेम टिश्यूज़. तो जो तना होता है वीट प्लांट का, जो तना होता है ये उसके जो इंटरनल स्टेम्स होते, इंटरनल स्टेम टिश्यूज़ होते हैं उस पे फीड करता है. दे फीड अपॉन दी स्टेम टिश्यूज़ और एट द बेस ऑफ पेनिकल. तो हम जहाँ पे जो वीट ग्रेन्स उग रहे होते हैं, पेनिकल जो है, पेनिकल एक इनफ्लोरिसेंस है, यानी कि किस तरह से फ्लावर लगते हैं, पोजीशन कैसी होती है फ्लावर की, वो पेनिकल है. सो दे फीड अपॉन द स्टेम टिश्यूज़. एक तो स्टेम के टिश्यूज़ पे फीड करते हैं और दूसरा एट द बेस ऑफ पेनिकल, जहाँ पे गेहूं के बीज लग रहे होते हैं उसके बेस पे, पेनिकल के बेस पे ये फीड करते हैं. सो दे फीड अपॉन स्टेम टिश्यूज़ और एट द बेस ऑफ पेनिकल. और इनका काम क्या है? दे बोर अप एंड डाउन इन द स्टेम. बोर जो करते हैं अंदर, जो है टनल्स बनाना शुरू कर देते हैं. ये जो सिसामिया इन्फ्लुएंस है, इसका जो कैटरपिलर होता है, इसका जो लार्वा होता है, ये दरअसल बोर कर देता है ऊपर और नीचे स्टेम के, यानी कि तने के अंदर. तो तने के अंदर टनल्स ही बन जाती है, जिसके अंदर जो है इंटरनल टिश्यूज़ को ये फीड कर लेते हैं, उनको ये अपना खाना बना लेते हैं. और वहाँ से, उन टनल से फिर बाहर निकल के दूसरे पौधों को, यानी दूसरे आसपास के वीट प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं. तो इस तरह से जो है ये वीट प्लांट को बोर करने का काम करते हैं. तो इसीलिए इनको वीट स्टेम बोरर कहा जाता है, या इनको पिंक स्टेम बोरर भी कहा जाता है. बिकॉज़ जो लार्वा है इनका, जो कैटरपिलर है, वो थोड़ा पिंक कलर देता है, पिंक टिंच देता है. दी अदर करेक्टरिस्टिक इज दैट कि जो सिसामिया इन्फ्लुएंस है, दिस सिसामिया इन्फ्लुएंस इन इट्स लार्वल स्टेज, यानी कि अपने कैटरपिलर जब ये बनता है उस स्टेज में इट अंडरगोज हाइबरनेशन. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सिसामिया इन्फ्लुएंस इन इट्स लार्वल स्टेज, और वी कैन से जब ये कैटरपिलर बन जाता है उस टाइम पे ये हाइबरनेशन में जाता है. हाइबरनेशन एक ऐसा इनएक्टिव पीरियड होता है जो कि विंटर्स के टाइम पे किया जाता है. तो विंटर्स के टाइम पे जब इंसेक्ट अपने आप को एक इनएक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर ले, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं. इसके अलावा जो एडल्ट मॉथ है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, सो इट्स अ मॉथ. एडल्ट मॉथ इज नॉक्चुरल. नॉक्चुरल का मतलब है कि ये जो पेस्ट है ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव होता है. सो जो एडल्ट मॉथ है, द एडल्ट मॉथ इज नॉक्चुरल, विच मीन्स इट्स एक्टिव एट नाइट. सो दिस इज अबाउट हैबिट्स ऑफ सिसामिया इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट वी स्टडी लाइफ साइकिल. सो हेयर वी कैन सी दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ सिसामिया इन्फ्लुएंस. एज वी नो इट बिलोंग्स टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, सो द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीट एंड शोज फोर स्टेजेस ऑफ मेटामोरफोसिस, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट. शुरुआत करते हैं एग से. ये जो एडल्ट फीमेल मॉथ है, ये जो एडल्ट सिसामिया इन्फ्लुएंस है, दिस इज एडल्ट फीमेल मॉथ. इट कैन ले अप टू 300 एग्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ लीव शीथ ऑफ होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट यहाँ पे हम वीट को कंसिडर करते हैं. सो दिस इज द वीट प्लांट. तो वीट प्लांट का ये स्टेम है, ये इसकी स्पाइक है, और एट द बेस ऑफ पेनिकल, तो ये पेनिकल है, ये पेनिकल है, और इस पेनिकल का यहाँ पे बेस है. तो जो सिसामिया इन्फ्लुएंस है वो स्टेम के अंदर भी बोर करती है, और मतलब इसका जो कैटरपिलर है वो स्टेम के अंदर बोर करता है, और बेस जो है पेनिकल का, यहाँ पे भी ये फीड करता है. राइट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल. सो जो फीमेल है, द एडल्ट फीमेल मॉथ, इट कैन ले अप टू 300 एग्स ऑन द
इनर सरफेस ऑफ लीव शीथ, यानी कि लीव शीथ की जो इनर सरफेस है, निचली सतह पर जो है ये 300 अंडे देती है इन 2 to 3 रोज, 2 से 3 रोज होती हैं लीव शीथ के ऊपर। उस लीव शीथ के ऊपर 2 से 3 रोज के अंदर जो है 300 अंडे ये जो फीमेल मोथ है, एडल्ट फीमेल मोथ से सामिया इन्फ्लुएंस ये देती है। सो द एडल्ट मोथ कैन ले अप टू 300 एग्स इन 2 to 3 रोज इन ऑन द इनर सरफेस ऑफ लीव शीथ ऑफ होस्ट प्लांट। ये जो एग्स होते हैं, द एग्स आर राउंड एंड फ्लैट विद फ्लैटेंड पोल्स। तो अंडे जो है राउंड होते हैं, फ्लैटेंड पोल्स होते हैं। फ्लैटेंड मतलब कि जो चिपटे हुए पोल्स होते हैं, एनिमल एंड वेजिटल पोल जो एग का होता है। और जो एग्स होते हैं दे आर पेल एंड येलोइश इन कलर। तो एग्स आर पेल येलोइश इन कलर, दे आर राउंड एंड फ्लैटेंड, और 300 अंडे देते हैं 2 to 3 रोज ऑन द इनर सर्फेस ऑफ लीव शीथ ऑफ होस्ट प्लांट। जो एग है वो 7 से 10 दिन लेता है हैच होने में। सो द एग हैचेज इन 7 to 10 डेज एंड टाइनी कैटरपिलर एमर्जेज आउट फ्रॉम द एग्स। तो अंडों में से जो है ये टाइनी कैटरपिलर, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कैटरपिलर। तो एग से जो है 7 से 10 दिनों के अंदर जो है ये कैटरपिलर निकल जाता है। ये जो टाइनी कैटरपिलर है इट फीड्स ऑन द स्टेम टिश्यूज एंड एट द बेस ऑफ पेनिकल। तो हमें पता है कि जो कैटरपिलर है, जैसे ही कैटरपिलर फॉर्म बनती है, एग से जो है कैटरपिलर निकलता है, तो ये जो टाइनी कैटरपिलर है ये बोर करना शुरू कर देता है वीट की स्टेम के अंदर। तो ऊपर और नीचे पूरी की पूरी टनल्स बनाना, बोर बनाना शुरू कर देते हैं कैटरपिलर, और स्टेम की टिश्यूज के ऊपर फीड करते रहते हैं। दे नेवर फीड ऑन द एक्सपोज्ड पोर्शन। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू नोट, कि जो कैटरपिलर है वो सिर्फ इंटरनल जो है इंटरनल टिश्यूज के ऊपर फीड करता है, कभी भी ये एक्सपोज्ड पोर्शन पे फीड नहीं करता। सो दे नेवर फीड अपॉन द एक्सपोज्ड पोर्शन। बाहर के जो प्लांट है उसकी बाहर के पोर्शन में, एक्सपोज्ड पोर्शन में तो कैटरपिलर कभी फीड नहीं करता, हमेशा जो है इंटरनल टिश्यूज पे ही फीड करता है। उसके अलावा हमें पता है कि जो कैटरपिलर है ये उसको फीड करते करते, जो ये टाइनी कैटरपिलर है, 20 से 30 दिनों में और 6 से 7 बार मोल्टिंग करने के बाद ये जो टाइनी कैटरपिलर है एक मैच्योर कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, और मैच्योर कैटरपिलर में कन्वर्ट होने के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। सो हेयर वी कैन सी कि द कैटरपिलर बोर्स अप एंड डाउन इन द स्टेम एंड गेट्स मैच्योर्ड। द मैच्योर कैटरपिलर इज अबाउट 20 to 26 मिलीमीटर इन लेंथ। द मैच्योर कैटरपिलर इज अबाउट 20 to 26 मिलीमीटर इन लेंथ एंड इज पेल येलोइश इन कलर विथ पर्पल और पिंक टिंज। मतलब थोड़ा सा पर्पल और पिंक सा कलर आता है, ज़्यादातर ये पेल येलोइश बॉडी, मैक्सिमम जो डोमिनेंस है वो पेल येलोइश कलर का है कैटरपिलर में, पर इसमें थोड़ा सा पर्पल और पिंक टिंज आता है, इसीलिए इसको पिंक स्टेम बोरर भी कहा जाता है। सो जो कैटरपिलर है इट्स अबाउट 20 to 26 mm इन लेंथ एंड इज अ पेल येलोइश इन कलर विद अ पर्पल और पिंक टिंज and it takes 20 to 30 days with 6 or 7 molting. Molting क्या होती है? Molting एक process है जिसमें जो surface है, outer जो layer है body की, वो shed हो जाती है in order to grow. तो अपने आप को mature करने के लिए, size में increase करने के लिए, अपनी form change करने के लिए और ख़ुद को reproductively active बनाने के लिए molting होती है। तो 6 से 7 बार 20 से 30 दिनों के अंदर molting होती है, और जो कैटरपिलर है या जो लार्वा है वो चेंज हो जाता है प्यूपा में। हेयर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्यूपा, वी कैन सी दिस इज़ द लार्वा, और ये लार्वा जो है हमें पता है कैटरपिलर हाइबरनेशन भी शो करता है। सो कैटरपिलर शो हाइबरनेशन ऑल्सो, और यहाँ से प्यूपेशन हो जाती है फ्रॉम कैटरपिलर टू प्यूपा विद इन 20 to 30 डेज। अभी जो प्यूपेशन प्रोसेस है, प्यूपेशन का मतलब कैटरपिलर से प्यूपा में चेंज होने के प्रोसेस को हम प्यूपेशन कहते हैं। तो प्यूपेशन जो है स्टेम के अंदर भी हो सकती है, प्लांट के बाहर भी हो सकती है। तो प्यूपेशन कैन टेक्स प्लेस एनीवेयर।
टनल्स में भी प्यूपेशन हो सकती है, कैटरपिलर प्यूपा में चेंज हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. तो मतलब दोनों केसेस पॉसिबल हैं. यहाँ पे जो प्यूपा है, ये जो प्यूपा है सिसामी इन्फेरेंस का, ये ऑब्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा है. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑब्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा? सो हियर वी कैन सी कि ये जो प्यूपा है, प्यूपा इज़ ऑब्टेक्ट टाइप. दरअसल दो तरह के प्यूपा होते हैं, एक होता है एक्सरेट प्यूपा, EXARATE, एक्सरेट टाइप ऑफ प्यूपा. दूसरा होता है ऑब्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा. जितने भी लेपिडोप्टेरा के अंदर इंसेक्ट आते हैं उनका प्यूपा ऑब्टेक्ट टाइप होता है. अब ऑब्टेक्ट टाइप का मतलब ये है कि ये जो प्यूपा है इसकी जो अपेंडेजेस हैं वो अपनी बॉडी के सरफेस के साथ ही चिपके रहते हैं. सो दी अपेंडेजेस आर एडहेरिंग टू द बॉडी वॉल. जबकि जो एक्सरेट टाइप ऑफ प्यूपा है उनके अपेंडेजेस जो हैं फ्री होते हैं. अपेंडेजेस मतलब उनकी लेग्स, टांगे जो होती हैं, बहुत सारी मल्टीपल जो लेग्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे वी कैन सी दीज आर दी अपेंडेजेस, यहाँ पे वी कैन सी दीज आर दी अपेंडेजेस. तो उसी तरह से प्यूपा की जो अपेंडेजेस होती हैं दे आर एडहेरिंग टू द बॉडी वॉल, अपनी बॉडी के साथ चिपकी रहती हैं. तो इस तरह के प्यूपा को कहा जाता है ऑब्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा. तो जो प्यूपा है सिसामी इन्फेरेंस का वो ऑब्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा है. तो इस तरह से जो है प्यूपा बन जाता है और प्यूपा से कुछ ही दिनों में एडल्ट तैयार हो जाता है. तो प्यूपा से एडल्ट जो है बहुत जल्दी बन जाता है. और एडल्ट के ऊपर हमने पहले पढ़ा है कि इसकी जो फोर विंग्स होती हैं ब्राउन होती है, हाइंड विंग्स वाइट होती हैं और इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्टाउट बॉडी होती है. तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है रिपीट पे चलता रहता है सिसामी इन्फेरेंस का. और ये वीट की जो स्टेम है उसको बोर करके उस पर फीड करने का काम करता है. तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के बाद नेचर ऑफ डैमेज. सो हियर वी कैन सी, हमने पहले पढ़ लिया है कि जो डैमेज है वीट प्लांट को वो मेनली जो है की जाती है कैटरपिलर के द्वारा. तो जो लार्वा है या जो कैटरपिलर है इट कॉजेज द डैमेज टू द वीट प्लांट. ये डैमेज कुछ इस तरह से करता है कि ये बोर करना शुरू कर देता है अप एंड डाउन इन द स्टेम एंड फीड अपॉन द टिश्यूज ऑफ द सेंट्रल शूट. तो ये बीच के तने के जो टिश्यूज़ होते हैं अंदर, जो सेंट्रल शूट्स यानी स्टेम के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं इनको फीड करता है बाय मेकिंग अ बोर अप एंड डाउन. तो ऊपर नीचे बोर करके टनल बना के अंदर ही अंदर खोखला कर देता है ये जो वीट है इसके तने को. इसी कारण जो है एज ए रिजल्ट द इन्फेक्टेड प्लांट एग्जिबिट्स डेड हार्ट्स. इसी कारण से जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो एक डेड हार्ट्स की कंडीशन शो करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट एज ए रिजल्ट द इन्फेक्टेड प्लांट एग्जिबिट्स डेड हार्ट. क्योंकि सेंट्रल शूट के जितने भी टिश्यूज हैं उनको खा गया है ये कैटरपिलर, जिसके कारण से ये प्लांट जो है टूट जाएगा, मुरझा जाएगा और नीचे गिर जाएगा. और इस कंडीशन को हम कहते हैं डेड हार्ट्स. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड इन चीलोइनफिस कैटेलिस एंड स्किरपोहागानीवेला, जहाँ पे हमने शुगर केन टॉप बोरर एंड शुगर केन स्टेम बोरर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी डेड हार्ट्स की कंडीशन थी. उसके अलावा ये जो कैटरपिलर है इट ऑल्सो फीड्स एट द बेस ऑफ पेनिकल. मैंने बताया कि जो पेनिकल है वो इनफ्लोरिसेंस है वीट प्लांट के फ्लावर्स की, किस तरह से फ्लावरिंग होती है. तो फ्लावरिंग के जो पैटर्न है वो पेनिकल की है, तो पेनिकल इनफ्लोरिसेंस है. तो कैटरपिलर जो है इट ऑल्सो फीड्स एट द बेस ऑफ द पेनिकल, यानी कि ये जो इसका स्पाइक है ये स्पाइक के बेस पे भी जो है फीड करने का काम करता है कैटरपिलर. तो इस कारण जो है कंडीशन जो होती है विच कॉजेज वाइट ईयर हेड सिम्टम. तो इस कारण से वाइट ईयर हेड सिम्टम शो होते हैं और विल्टिंग ऑफ द पेनिकल. विल्टिंग का मतलब है टूट जाना. पेनिकल जो है यानी कि ऊपर जो गेहूँ के जो गेहूँ लगी होती है, जो सीड्स लगे होते हैं, ग्रेन्स लगे होते हैं, वो टूट के गिर जाते हैं. सो डेड हार्ट्स एंड वाइट ईयर हेड्स सिम्टम्स शो करते हैं वीट प्लांट ड्यू टू द डैमेज कॉज्ड बाय कैटरपिलर ऑफ
Sesamia inferens. द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू नोट कि जो हॉट मॉइस्ट वेदर है वो फेवरेबल है पेस्ट के लिए. सो हॉट मॉइस्ट वेदर यानी कि गर्म नमी वाला जो मौसम है, गर्म नमी वाला जो मौसम है फेवरेबल है पेस्ट की ग्रोथ के लिए और इन्फेक्शन के लिए. सो दिस इज़ अबाउट द नेचर ऑफ डैमेज. नाउ वी स्टडी कंट्रोल मैनेजमेंट. तो कंट्रोल जो है वीट को जो है तीन तरीके से वीट प्लांट को बचाया जा सकता है इस इंसेक्ट से या इस पेस्ट से. तीन मेथड होते हैं. पहला है कल्चरल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड. सबसे पहले शुरू करते हैं कल्चरल मेथड से. यहाँ पे रोटेशन बताई गई है क्रॉप की, तो मतलब हर बार वीट नहीं उगानी, वीट के अलावा बाकी क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं और रोटेशन की जा सकती है क्रॉप की ताकि ये पेस्ट जो है इन्फेक्ट ना कर पाए. सो रोटेशन ऑफ क्रॉप, देन द इन्फेक्टेड वीट प्लांट शुड बी अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड. ये सबसे ईजी तरीका है कि अगर कोई इन्फेक्टेड वीट प्लांट हमें दिखता है तो उसको उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तीसरा मेथड है कि जैसे ही हार्वेस्टिंग की जाती है यानी कि गेहूं को काट लिया जाता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप द स्टबल शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड. तो जो बाकी बचा जो स्टबल होता है यानी कि बचा हुआ हिस्सा होता है वो सारा काट के कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. तो ये तो हो गए ईजी कल्चरल मेथड्स. सेकेंड है हमारे पास केमिकल मेथड्स. तो केमिकल मेथड्स में हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ BHC एंड DDT. BHC क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड. सो एप्लीकेशन ऑफ BHC एंड DDT एट 0.1% इन स्प्रे और 1% इन डस्ट. तो 0.1% स्प्रे की फॉर्म में या 1% डस्ट की फॉर्म में BHC और DDT की एप्लीकेशन बताई गई है. इसके अलावा स्प्रे ऑफ फेनिथियोन, फिनाइट्रोथियोन, फॉस्फामिडॉन, ग्रेन्यूल्स ऑफ लिंडेन, दे आर इफेक्टिव इन चेकिंग द डिस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस पेस्ट. तो ये जो केमिकल्स हैं फेनिथियोन, फिनाइट्रोथियोन, फॉस्फामिडॉन एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ लिंडेन, इनका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, वीट क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट सिसामिया इन्फेरेंस. तीसरा हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम इसके एग्स और लार्वा को पैरासिटाइज्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कंट्रोल दिस पेस्ट एंड प्रोटेक्ट आर वीट प्लांट एंड ग्रेन्स फ्रॉम द पेस्ट. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड सिसामिया इन्फेरेंस, विच इज़ वीट स्टेम बोरर और पिंक स्टेम बोरर, इट्स क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स, लाइफ साइकिल, nature of damage and control. So I hope that you like this video. And if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.